हेलो गाइस, मैं हूं आपकी प्यारी दोस्त वेलकम टू यश फन लैंड। आज मम्मी को थोड़ा सा यहां पे दर्द है, तो आज वो डॉक्टर के पास जाने वाली है एक टेस्ट लेने, मतलब दांत को ठीक करने। तो आज हम लोग जाने वाले डॉक्टर के पास, तो ना बकबक करके शुरू करते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं ATM, पापा निकाल रहे हैं पैसे। चलो मम्मी को बहुत ठंड लग गई। अभी हम लोग आ चुके हैं सिलेदर्स में, यही एक क्लिनिक मिलता है यहाँ पे पास में। आप देख सकते हैं यहाँ पे समोसे भी मिलते हैं। वो वाला क्लिनिक, यहाँ पे जूते उतारने पड़ेंगे। ये देखो कितना साफ सुथरा है, बैठने का एरिया है। मम्मी अपॉइंटमेंट ले रही है, हम लोग यहाँ पे बैठ कर वेट करेंगे, ठीक है। अब हम लोग, मैं और मेरे भाई और मेरे जो पापा है ना, उनके लिए हम लोग जूते खरीदने वाले हैं सिलेदर्स में। बारी आती है मेरे जूते खरीदने की बारी। और मैंने चलकर टेस्ट किया तो ये जूते बिल्कुल परफेक्ट आ रहे थे। और मैंने दौड़ के भी टेस्ट किया, कूद कर भी टेस्ट किया, फिर पापा ने बोला कि इतना खुदने की भी जरूरत नहीं है, ये हो गया है टेस्ट। भाई के लिए और मेरे लिए एक जोड़ी सिलेक्ट की है, एक जोड़ी नहीं मतलब एक जूते सिलेक्ट किए है। टाइट है, थोड़ा सा बड़ा ये। पापा अपने जूते देख रहे कैसे हैं यहाँ के, पापा के जूते। यहाँ पे भी सॉफ्ट सॉफ्ट जूते हैं, आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पे सॉफ्ट जूते हैं अच्छे वाले, यहाँ पे तो हार्ड जूते हैं। पैकिंग आवर जूते। चलो चलो हम चलते हैं। काम करेंगे फिर निकलेंगे वापस। चलो हम लोग अपने जूते ले लेते हैं। चुके हैं ये जिम में। अभी हम लोग जा रहे हैं होटल में खाना खाने के लिए। अभी हम लोग आ
चुके हैं आकाश सड़बड़ रेस्टोरेंट में और यहाँ पे इतना बड़ा होटल है गाइस। पनीर पकौड़ा लच्छा वगैरह ये सब हमने ऑर्डर कर लिया है और अब हम लोग वेट कर रहे हैं, बोलो खाना पका रहे होंगे। हम लोग यहाँ पे वेट करते करते बातें कर लेते हैं। पास में अपनी कुत्ती की फैमिली छोड़ के देख सकते हो अबे 15 आ चुके हैं। नो वे वे बंदर, ओह माय गॉड, यहां पर तो बंदरों की पूरी फैमिली आ चुके हैं गाइस। पूरी फैमिली आ चुकी है। मेरी सोनी कुत्ती ऑफ कोर्स उसकी माँ भी पास में छोड़ी है। आ चुके हैं सुभाष पार्क जो मैं 2 साल से नहीं गई। ये मेरा फेवरेट पार्क है जहाँ पे बहुत सारे झूले भी है और गाइस यहाँ पे बहुत मस्ती होने वाली है। पहले टिकट तो काट ले, चलो चलो टिकट काट लेते हैं। ठीक है तो पापा यहाँ पे टिकट काट रहे हैं मस्त वाले। और यार मैं 13 ईयर्स ओल्ड हूँ फिर भी मैं बच्चों जैसे क्यों एक्टिंग कर रही हूँ ये मत पूछना। फिर भी हम लोग चलेंगे। यस मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, 2 साल पहले से नहीं गए हम लोग यहाँ पे कोरोना की वजह से। मेरे साल में कोई राइड इंजॉय नहीं करता फिर भी मैं बच्चों जैसे लगती हूँ, इसलिए मुझे राइड और ये सब बाउंसी कैसल में चढ़ना बहुत पसंद है। ठीक है सकते हो कितना बड़ा पार्क है यहाँ पे। गिलेरी, ओह माय गॉड, चलो देख सकते हो कौन से राइड है। मैं लिटरली भूल चुकी हूँ क्या क्या है यहाँ पे। कपल्स बैठे हैं ठीक है। और ये हाँ मुझे यहाँ पे चढ़ना बहुत पसंद है, मैं एक बार चढ़ के दिखाती हूँ। Big
জিনিসটা अभी हम लोग जा रहे हैं एक आइलैंड में, पापा ने बोला है। तो सब राइड्स घूम ले दो चार बार करके, अब हम लोग आइलैंड में चलते हैं सीधा। सुनिए पापा, क्या हम लोग सचमुच आइलैंड जा रहे हैं? हम लोग आइलैंड जा रहे हैं, आइलैंड मस्ती करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे बहुत मजे कर रहे हैं, फिर आगे देखते हैं होता है क्या। शायद हम यहाँ पे घूम कर वापस घर चले जाएंगे, ऐसे मुझे लग रहा है। ये है आइलैंड, ओ शायद यही है आइलैंड। हम पहुंच गए आइलैंड में, मस्त वाला। यहाँ पे ये भी है स्टैचू, स्टैचू और वगैरह वगैरह, और ये मस्त यहाँ पे व्यू भी आता है। चलो मैं थोड़ा व्यू ले लेती थोड़ा सा। वहाँ पे एक आइलैंड है, हम ये आइलैंड सोच रहे थे। ये है ट्री, तो सचमुच ट्री में चलेगा? नहीं भाई, क्या एक आपको कैसे लगी ये वाली वीडियो? लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना, तो बाय बाय।